हेलो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रेगनेंसी के बाद जब भी कोई महिला बच्चे को जन्म देती है तो उसके बाद उसे क्या खाना चाहिए, आपका जवाब होगा कि उस महिला को कम से कम तेल मसाले वाला खाना खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसके शरीर के अंदर ज्यादा तिखास नहीं जाती है या फिर ज्यादा तीखापन नहीं जाता है और स्तनों के अंदर दूध की मात्रा सही बनती है, जिसकी वजह से बच्चे को भी भरपूर पोषण मिलता है। लेकिन क्या इतना ही काफी है? जी नहीं, इतना बिल्कुल भी काफी नहीं है। जब भी कोई महिला बच्चे को जन्म देती है तो उसका भी दोबारा से ही जन्म होता है। जितने पोषण की जरूरत नवजात शिशु को होती है, उतने ही पोषण की जरूरत नई नवेली माँ को भी होती है। माना जाता है, और ऐसा आप सब भी जानते हैं, कि नवजात शिशु को पैदा होते के साथ केवल माँ का पीला गाढ़ा दूध ही पिलाना चाहिए। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि बच्चे को तो माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध तो पिला दिया जाएगा, लेकिन माँ को उसके तुरंत बाद क्या पिलाना चाहिए? आप चाहें तो उस माँ को फ्रूट जूस पिला सकते हैं, दूध पिला सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी पिला सकते हैं। इन सारी चीजों के अंदर पौष्टिकता ज्यादा होती है, लेकिन आपको ध्यान रखने की जरूरत केवल इतनी है कि अगर आप अपनी नई नवेली माँ को या फिर उस महिला को जिसने अभी अभी नवजात बच्चे को जन्म दिया है उसे जूस पिला रहे हैं, तो जूस मार्केट वाला बिल्कुल ना हो। आप अपने घर से जूस बनाकर हॉस्पिटल ले जा सकते हैं और वही जूस उन्हें पिला सकते हैं, क्योंकि जो भी जूस मार्केट में मिलता है उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि उसे लंबे समय तक स्टोर करने के लिए बनाए जाते हैं। इसीलिए उसके अंदर फ्रूट जूस के साथ साथ काफी केमिकल्स भी होते हैं जो लंबे समय तक उसे खराब होने से बचाते हैं। इसीलिए बच्चे के साथ साथ माँ का अच्छा आहार खाना भी जरूरी है। कम से कम तेल मसाले वाला खाना खाइए, पौष्टिक खाना खाइए, दूध से बनी चीजों के इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कीजिए, फल और सब्जियों को अपने खाने के अंदर इंक्लूड कीजिए। अगर आप सब्जियों का सैलड बना रही हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सब्जियों को उबाल कर खाती हैं या फिर ब्लांच करके खाती हैं तो यह भी आपकी सेहत के लिए काफी अच्छा रहेगा। उबालने से और ब्लांच करने से सब्जियों की पौष्टिकता और कलर बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसे कि फार्म से जब वो आपके घर आती हैं उस समय होता है। लेकिन जब भी हम सब्जियों को तड़का वगैरह लगाकर घर के अंदर बनाते हैं तो उसकी वजह से भाप के द्वारा उसके सारे पोषक तत्व उड़ जाते हैं। इसीलिए पोषक तत्व, विटामिन्स, फॉलिक एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड, इन सारी चीजों को कंज्यूम ज्यादा से ज्यादा करिए और फाइबर को लेना बिल्कुल ना भूलिए। आप चाहें तो फाइबर की टैबलेट्स भी खा सकते हैं, लेकिन फाइबर की टैबलेट खाने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो आपको डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर करना चाहिए। सो दोस्तों, अगर आपने अभी अभी नवजात शिशु को जन्म दिया है तो अपने आप पर और अपनी सेहत पर भी थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए। इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।